अरे लाल की चुप। हाँ छोटी आती थी यहाँ पे, छोटी 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 जी ने किसी दूसरे के घर पूजा में फिर अपना चप्पल छोड़ाई। हाय राम, मम्मी चूहा नहीं है। खड़ा कैसे हो रहा है देखने के लिए? हाय राम, एकदम ये सब ना जिंदगी नरक कर दिए हुए है। देखो ना खड़ा दो पैर पे हो रहा है ये। रेलवे ट्रैक पे देखो भाई, आप लोग ऐसे रेलवे ट्रैक पे मत चलिएगा। हम लोगों को देख के हमारा तो बचपन बीता है इसी ट्रैक पे, मतलब ट्रैक पे नहीं बीता है। अरे लड़की चुप। हमारे घर में ना शुरू से, मतलब मेरी मम्मी के बचपन से हमारे घर में टॉयलेट है यार। ये ऐसे ही बदनाम करती है सबको। नहीं नहीं भारत के बाद सुधरी है जी। लोटा पार्टी ब्लॉग कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए, ये रहा मेरा डॉक्टर सुरुचि का हॉस्पिटल। नहीं बिल्कुल, आप इस गलतफहमी में रह सकते हैं। ये है डॉक्टर सुरुचि का हॉस्पिटल। कोई बात नहीं, ई और डी में कोई फर्क नहीं है, आस ही पास में दोनों अल्फाबेट। कोई फर्क नहीं पड़ता, डी आर और ई आर सब एक है। नहीं नहीं उसके लिए तो इसमें कुछ कुछ खरीदा गया। और अभी हम लोग आए हैं सात का जगुआर ढूंढने के लिए इस शॉप पे। नानू को दे दीजिए। दोनों लेके भाग लिया अपना, एक तो नानू को दे दीजिए। नानू आपके लिए ये बिस्किट लेकर आए, इतना टेस्टी यम्मी सा बिस्कुट। छिपा छिपा रहा, छिपाते कुछ नहीं है बेटा, संभाल के रखते हैं। वन नानू को दे दीजिए, वन वन दे दीजिए नानू को। हाँ मैगी मसाला है, सुनो ना। नहीं, पढ़ने तो आता नहीं है लेकिन बोलेगा जरूर मैगी मसाला है। ये क्या है? मैगी है, मैगी लिखा हुआ है, मैगी लिखा हुआ है। वो नहीं पता है। ये क्या? ये तो नहीं पता, ये रटा हुआ नहीं है डिक्शनरी में नहीं। ये तो किचन उठा, किचन से उठा के लाता है वो इस उसमें का। हाँ मसाला है। कॉफी, हाँ जो कॉफी पहचानना होता है। कल शाम में मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी बट नहीं हो पाया। आजकल लाइफ बहुत 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 बिजी चल रहा है। अभी बीच में सार्थ के बाबा जी आए थे तो उन चार पांच दिनों में थोड़ा सा सब पॉज हो गया था। मम्मी का भी, मम्मी ने भी स्कूल से अपने छुट्टी लिया था, क्या बोलते हैं उसको, सीएल लिया था, तो उनका भी था। मैंने भी अपना प्रोजेक्ट थोड़ा समहाउ थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना मैं पॉज कर पाई थी मैंने भी पॉज किया था।
बट कल से वापस से हमने कल इवनिंग में वो चले गए, तो उसके बाद से वापस से हमने अपना जो मतलब डेली रूटीन होता है वो थोड़ा सा शुरू किया। मम्मी का स्कूल शुरू हुआ, मेरा अपना काम शुरू हुआ। कल मैंने व्लॉग शुरू भी किया, बट अभी जो पिछला व्लॉग्स मैंने रिकॉर्ड किया था वो सब पूरा मोबाइल मेरा फुल था, जिस वजह से मेरा व्लॉग सब एडिट नहीं हो पाया। पिछले पूरे वीक का सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा था, एकदम ओवरलोड हो गया था और पूरा मोबाइल मेरा एग्जॉस्ट हो गया था, एकदम चल नहीं पा रहा था, तो मैं आगे व्लॉग शूट नहीं कर पाई। कल हम मार्केट गए थे, कुछ दो चार काम था वो सब हमने किया, और लौटते के साथ खूब सारा गोलगप्पा लेकर हम घर आए थे। घर आने के बाद हमने खाई टम्मी फुल गोलगप्पा, और उसके बाद हम में से किसी ने भी डिनर नहीं किया। मम्मी का तो पूजा था ही, तो मम्मी को डिनर करना नहीं था, मैंने भी नहीं किया, छोटी ने भी नहीं किया, और पापा ने बस डिनर किया था। मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, तक आसार्थ बिल्कुल चिपकू हो रहा था, तो उसने मुझे काम नहीं करने दिया। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 7, और माई आई है आज, तो बहुत सारा पूरा घर एकदम भरा भरा सा लग रहा है मेरा। और माई मेरे जब भी आती है उसके साथ आता है इतना सारा सामान खाने पीने का, खाने पीने का इन द सेंस कि बहुत सारे बिस्किट की वैरायटी, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग बहुत सारा बिस्किट खाते हैं और सभी खाते हैं, तो हम लोग को ज्यादा ही खाते हैं, तो मतलब बदल 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 के, तो खूब सारा डिफरेंट टाइप का बिस्किट और ये और वो सार्थ के लिए ढेर सारी चीजें, मतलब सार्थ तो लट्टू हो गया है सामान सब देख के। और अभी मैं काफी टाइम से ना सार्थ के लिए येलो कलर का ड्रेस ढूंढ रही थी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि उसको थर्सडे के दिन येलो पहनाऊं, तो समर्स के लिए तो उसने पहना था, समर में येलो था उसके पास, बट अभी जैसे विंटर आया ना, तो उसका जो येलो कलर का स्वेटर था वो थोड़ा छोटा हो गया था, मतलब छोटा नहीं था बट हाथ थोड़ा सा छोटा था, तो मैं अभी सोच ही रही थी कि उसके लिए कुछ येलो कलर का थोड़ा बड़े साइज का लेती हूँ जो अभी वो पहनेगा, उसका पुराना येलो येलो सब छोटा हो गया था। तब तक माई उसके लिए लेकर आई है बहुत प्रिटी सा येलो कलर का सूट, येलो एंड ब्लैक का, ये बहुत प्रिटी सा सूट है, इसका तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है येलो, और ये ब्लैक कलर का इसके ऊपर ब्लेजर डाला हुआ है, तब सुपर्ब सुपर्ब, कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा है इसका ब्लेजर ना, ये पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं ये कैसा प्रिंट है, बट बहुत प्यारा प्रिंट है इसका। कॉटसुल का कपड़ा है ये वाला जो ऊपर का है ना, ये कॉटसुल का कपड़ा है, और उसका ये कोटी है, कोट है हाफ, और इसके अंदर बो लगा हुआ, मुझे बो वाले, और सबसे खूबसूरत मुझे वो ड्रेस लगता है जिसमें कि डिटैचेबल बो लगा हो, इसको आप आराम से दूसरे ड्रेस में लगा सकते हो, बहुत प्यारा सा। इसके नीचे जो पैंट है वो ब्लैक कलर का है, और आई हेट जींस, मुझे जींस नहीं पसंद है, ये मेरी माई को बहुत अच्छे से पसंद है, तो उसने जींस नहीं लिया है, ये कॉटन का पैंट है बट मोटा वाला कॉटन है, तो ये आराम से सर्दी में पहन सकता है विद बेल्ट, बहुत खूबसूरत है, साथ के लिए भी अब बेल्ट वाले ड्रेसेस आने लगे, और सेम टू सेम इसमें भी है, और ऑलमोस्ट वही चीज है, बस दोनों का थोड़ा सा डिजाइन अलग है, ये इसमें बो नहीं लगा हुआ है, और इसमें ये ब्लैक शर्ट है, और इसके ऊपर ये ग्रे कलर का कोट है, और अगेन ये भी वही कॉटसुल वाला मटेरियल है ऊपर से, और बहुत प्यारा सा है ये भी, बहुत सुंदर सा है, बहुत प्यारा सा है इसका ब्लैक ना, मुझे हाँ इसके नीचे भी पैंट दोनों में सेम है, फॉर्चुनेटली पैंट दोनों में सेम है, बस उसके पैंट पे कुछ कुछ लिखा हुआ है थोड़ा सा, और इसके पैंट पे कुछ नहीं लिखा है, बस फर्क इतना ही है, ये वाला इस पर लिखा और इस पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन मुझे इस ग्रे से ज्यादा ये वाला पसंद आया है, ये येलो वाला। और अभी मैं जा रही हूं सारे बिस्किट्स वगैरह कलेक्ट करने और सबको संभाल के रखने, क्योंकि सब इधर उधर फैला है, कुछ साथ ने फाड़ दिया है तो सब बिखर के खराब हो जाएगा और सिल भी जाएगा, तो मैं वो सब ठीक करती हूँ। मम्मी के पैरों में हो गई है बहुत जोर की दर्द, काफी टाइम पहले उसको थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम हो रहा था जो कि भी बहुत बढ़ गया, और बिल्कुल उसको चलने में नहीं बन रहा है, मतलब कैसे कैसे वो दो तीन दिनों से सब मैनेज कर रही थी, करते करते एकदम से कल शाम से, कल दिन से, कल ही था ना, कल फास्ट वाले दिन से ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, कि वो खींच रही थी जैसे तैसे करके मैनेज कर रही थी, बट कल शाम से या दिन से कह सकते हैं कि एकदम ही उसको नहीं चला जा रहा, एकदम मतलब घसीट घसीट के चल रही है, और देखते हैं नहीं होगा तो उसको वापस से दिखाना पड़ेगा।
पुराना तो एक्सरे उसका गुम हो गया था, जिस वजह से वो दोबारा नहीं जाना चाह रही थी डॉक्टर के पास, बट वापस उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि पैर में बहुत प्रॉब्लम हो, एकदम ही उससे नहीं चला जा रहा है, एकदम ही नहीं चला जा रहा है पैर से। और छुट्टी इधर उसने 3 CL ले लिया था, तो अब छुट्टी भी नहीं मिल सकती है फिलहाल, तो उसको 15-20 दिन। ये एक दिन उसने नोट फाड़ा था, आपने देखा ही होगा, ये अभी तक नहीं बदला है। और इसके कमरे में आते के साथ ना ये रजनीगंधा, उस दिन ये लगाकर गई थी ना, तो लाकर इसने टांग दिया था यहाँ पे कि दीदी इसकी खुशबू बहुत आती है। मैंने भी कहा लगा दो यहाँ पे, खुशबू अच्छी आती है, सर्दियों का सहारा, इसके बिना जिया जाए ना वाली हाल रहती है हमारी। चलिए मैं सामान सब संभालती हूँ, माई बहुत सारा सामान लेकर आती है हमारे लिए, वो सब मैं समेटू पहले। स्पेशली वैरायटी वैरायटी के बिस्किट्स, एक ये वाला बिस्किट माई लेकर आई है, ये स्पाइसी नहीं है, आपको देख के इसका शक्ल लग रहा होगा कि स्पाइसी, बट ये स्पाइसी नहीं है, बहुत क्रिस्पी है और बहुत हेवी है, आटे का है ये, बहुत हेवी है, मतलब 10 खा लीजिएगा अगर आप तो आपका टमी फुल हो जाएगा, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, बेस्ट पार्ट, ज्यादा खाया जा सकता है। पीज क्या है? पीज, पीज, हाँ हाँ ऐसे बोला, पीज, बचा बचा बचा। अरे सार्थ इसमें भी तुम शुरुआत कर ही दिए, सार्थ एक तो नींद, आंख देखो माँ कैसी बनी हुई है, आंख नींद सब अपना वेस्ट करके तो तुम्हारा स्वेटर बना रही है, और तुम बिजी हो उसको बर्बाद करने में। दिखा मम्मी स्वेटर, दिखा, नहीं माई नहीं हुआ, बेचारी मम्मी के पैर में भी दर्द है, बैंडेज भी बंधाई हुई है, यह रहा बैंडेज, कहाँ रहा बैंडेज, देखो माँ को चुट्टू हो गया ना, दुख हो गया ना माँ को, इतने कष्ट में भी माँ आपका स्वेटर बुन रही है, बचाओ, दिखा दिखा दिखा, एक झलक दिखा मम्मी स्वेटर का, हाय हाय बहुत प्यारा लग रहा है। ये रहा सार्थ का न्यू स्वेटर, जो कि ये नींद चैन सब हराम करके बुना जा रहा है। ये रही मेरी माई, माई हाय करो, हाय करो, हाय हाय। अब आपको ये व्लॉग में दिखती रहेगी, मटर छीलते, साग काटते, सार्थ के पीछे दौड़ते, बेचारी दौड़ा नहीं होगा लेकिन हाँ पीछे पीछे पड़ी रहती है, मटर छील रही है। सबसे मुश्किल काम, सबसे बोरिंग काम माई मजे में कर रही है, खाने में कितना बढ़िया लगे, खाने में कितना बढ़िया लगे। बोली बहुत पते की बात की, खाने में कितना बढ़िया लगेगा। माई मम्मी गई पूजा में, सुनो तो स्टोरी, मम्मी गई पूजा में, वहां पे दो वो था, दो आदमी, दो तीन चप्पल उसी में का था, मम्मी क्या की, हाँ दो तीन चप्पल, बस साइज का डिफरेंस था, तो मम्मी को समझ नहीं आया, हाँ हाँ भी लगाता है, तो मम्मी को समझ नहीं, तो मम्मी को समझ नहीं आया मेरी प्यारी सुग्गा मम्मी को कि मेरा चप्पल कौन सा है, पहन के देखे तो उसको लगा ऐसे, तो देखिए गलती से, मतलब हम किसी और का पहन के चले जाए तो लोग कहेगा कि किसी का चप्पल पहन के चले गए, इसलिए अपना भी चोर आई। मम्मी तो बहुत अच्छी आदमी है ना, इतनी दानी, बहुत अच्छी आदमी है, अच्छी तो है, कितना सोचती है मेरी मम्मी, है ना, किसी दूसरे के घर पूजा में गए अपना चप्पल छोड़ आई,
यही सोच के कि गलती से किसी और का ना पहन के चले जाए। साथ क्या है बदमाशी, तो साथ के नाना हो गए, साथ से खट्टी, तो साथ रो रहा था। अभी जाइए दोस्ती हो जाएगा, बोलेगा नानू अब मैं ऐसा बदमाशी नहीं करूंगा। ये इसलिए बहुत जोर जोर से लगाया है, मतलब बहुत डीप लगाया है इसमें। हाँ दिखा रहा है, नहीं करते हैं बेटा ऐसे, हैंड खराब हो जाता है ना, ऐसे नहीं करते हैं, हमेशा नहीं करते, कभी कभी एक आधा गलती हो गया ठीक है, बार बार थोड़ी रिपीट करते हैं बेटा। इसीलिए नानू आपसे खट्टी हो गए हैं, जाके बोलिएगा नानू अब मैं नहीं करूंगा और पेन भी नहीं तोड़ूंगा। जाओ सार्थ आज का नया तुम कांड किए बेटा, अब तो छोड़ दो बेटू, अब तो छोड़ दो, गलती हो गई हमसे कि वो नीचे छूट गया था, अब छोड़ दीजिए प्लीज, छोड़ दीजिए प्लीज। नीनी नहीं होगा, मुझे क्या क्या आपको क्या, तो आपको तो जब मर्जी तब उठना है, बाकी लोगों को बेटा पूरा काम पूरे दिन काम करना है। चलिए 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 बेड पे चलिए बेटा, बेड पे चलिए। रात के 11:30 बजे तक इनका तमाशा चल रहा है, अभी ये नहीं सोएंगे भाई साहब। ओ माय गॉड, हमारी आंख भर रही है नींद से।